बच्चों, आज हम पाठ्य की सामाजिक विज्ञान के अंदर टॉपिक ले रहे हैं संसाधन। क्या ले रहे हैं? संसाधन यानी रिसोर्स। रिसोर्स यानी कि ऐसे पदार्थ या प्रकृति में चाहे जाने वाले ऐसे पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हो, क्या पूर्ति करने की क्षमता रखते हो, हम इसे रिसोर्स या संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप बच्चों जान रहे कि आपके घर में किताबें हैं, कॉपियां हैं, पेन हैं, बर्तन हैं, टेबल कुर्सी है, आपके आसपास बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारी आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है। और जब ये चीजें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है हम उसे क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला वो हमारे समस्त पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है या पूर्ति करने की क्षमता रखता है उसे हम रिसोर्स या संसाधन कहेंगे। संसाधन जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे क्या है संसाधन, तो अभी आपने ये उदाहरण बताया, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिसका उपयोग हम रोज करते हैं ना। उपयोग अभी आप किताब से पढ़े हैं तो आपके लिए एक संसाधन, आप मोबाइल चाहे ना क्लासेस ले रहे हैं भी एक संसाधन ही, ठीक है। आप टेबल कुर्सी पर बैठ कर कार्य करते हैं तो वो भी एक संसाधन है।
केवल उसमें बैठ के कर रहे तो भी संसाधन के नहीं, संसाधन सभी प्रकार के चालन होते, सभी प्रकार के संसाधन हैं। इनके संसाधन को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने वाले पदार्थ में कर सकते हैं, किसके रूप में कर सकते हैं, मनुष्य की करने वाले आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ में क्या कर सकते हैं, संसाधन। उदाहरण के लिए जैसे आप किताब है ना, किताब खनिज, किताब खनिज, इसके बाद वायु मृदा है ना, बर्तन, आप घर में जो बर्तन यूज करते हैं बर्तन, परिवहन साधन, परिवहन साधन इत्यादि जितने भी हैं, ये सब क्या हो जाते हैं कि ना परिवहन साधन इत्यादि जितने भी हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे संसाधन के संसाधन। इस तरह अगर हम बोलते हैं उदाहरण में तो जैसे भूमि है, क्योंकि भूमि आदि में क्या है, संसाधन है। जब इसके अलावा आप ये नगर तो दिन भर आप पानी पीते हैं, जल पीते हैं या उसका उपयोग करते हैं, तो जल भी क्या हो जाएगा, एक संसाधन हो जाएगा। यानी कि हम जो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं प्राकृतिक पदार्थों से, वे हमारे क्या कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। तो अभी क्षमिक हुए, एक बार उनके वापस बता देती हूँ, और सत्य भगवान जी प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त पदार्थ मनुष्य की आवश्यकताओं की उदाहरण, हमारे उदाहरण आसपास हम अपने देख सकते हैं, कई उदाहरण है, चाहे हम जिस किताब से पढ़ रहे हैं, चाहे हम पेंसिल से लिख रहे हैं, चाहे हम कॉपी का उपयोग कर रहे हैं, चाहे हम खनिज पदार्थ का उपयोग करें, हम दैनिक जीवन में अपने बर्तन का उपयोग करते हैं, अनाज का उपयोग करते हैं, वह ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसमें क्या कहलाती है, सभी कर जाते हैं। और ये सारी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी, ये सभी वस्तु क्या है, हमारे लिए उपयोगी, यानी कोई भी पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोजन, प्रयोजन उसे संसाधन बना। आपसे पूछा जाए कि भाई पदार्थ कभी तो बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, तो संसाधन कैसे बनते, कैसे कि जो पदार्थ ये जो वस्तु हमारे उपयोगिता या क्या कह सकते हैं हमारे लिए प्रयोजन होते हैं, वो हमारे लिए संसाधन बन जाते हैं। अफ्रीका के तो बहुत सारे पदार्थ है, बहुत पदार्थ हमारे काम नहीं आते, वो हमारे लिए संसाधन बन जाते हैं। जो जो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हमारे काम आ रहे हैं, वो हमारे लिए संसाधन। आप अपने घर में भी देख रहे हैं, घर के आसपास भी देख रहे हैं, जैसे परिवहन साधनों का उपयोग करें तो भी संसाधन है, हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो भी संसाधन है, हम पेंसिल का उपयोग करें तो ये संसाधन है, हम कागज का उपयोग करें तो ये संसाधन है, ये सभी चीजें कहलाती है संसाधन, कहलाती है संसाधन कहलाती है। क्योंकि वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब है ना उसका कोई मूल्य, ठीक है, फिर आवाज मुझे वस्तु संसाधन कब बनती है, वस्तु जब संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य हो, है ना। आप क्वेश्चन लगा कि मुझे एक वस्तु संसाधन कब बनती है, कब बनेगी कि वस्तु संसाधन, संसाधन तब बनती है जब उसका मूल्य हो, जब उसका क्या हो, मूल्य हो। अब यहाँ मूल्य शब्द आ रहा है, मूल्य क्या आ रहा है, मूल्य शब्द आ रहा है, मूल्य का अर्थ कीमत से नहीं लिया जाता।
जा रही हूँ। हम ये सोच रहे कि मूल्य है तो है ना कीमत से लिया जा रहा है, कीमत से नहीं है। मूल्य का अर्थ क्या होता है? मूल्य का अर्थ यहाँ पर महत्व से लिया जाएगा। किससे लिया जाएगा? महत्व से, क्योंकि मूल्य का अर्थ यहाँ पर किससे लिया जाए? उस वस्तु के महत्व से लिया जाए। अब संसार हम ये भी ना कि भाई संसाधन यहाँ पर हर संसाधन का बनते जब उसके मूल्य, जब उसका मूल्य हो तो पदार्थ क्या बन जाते हैं? संसाधन। लेकिन यहाँ पर मूल्य शब्द जो ले रखे हैं, मूल्य का अर्थ यहाँ पर किससे लिया जाता है? मूल्य का अर्थ यहाँ पर महत्व से लिया जाता है। महत्व यानी कि उस वस्तु का कितना उपयोगिता है, यानी कितनी महत्व है, कितना उपयोगिता है वो, कितनी इसका महत्व इस बात से कि ना संसाधन का मूल्य, संसाधन को वस्तु को संसाधन बना दिए। जैसे है ना आप सोच रहे हैं कि हमने किसी कीमत ले लिया, ये हमारा मूल्य, ये मूल्य नहीं, ये क्या है? वस्तु की क्या उपयोगिता है, कितनी उपयोगिता है वो उसको संसाधन बना दिए। अब है इसमें से कुछ संसाधन का आर्थिक महत्व होता है, कुछ संसाधन का क्या होता है? आर्थिक महत्व होता है। हर संसाधन का आर्थिक महत्व नहीं होता है, पर ध्यान रखना कुछ संसाधन का आर्थिक महत्व होता है ना। आर्थिक महत्व यानी क्या? वाणिज्य से ले सकते हो, कीमत से ले सकते हो, या पैसे से ले सकते हो, है ना आर्थिक महत्व। अब ये कैसे संसाधन का आर्थिक महत्व होता है? जैसे कि खनिज पदार्थ, जैसे खनिज पदार्थ इसका क्या होता है? आर्थिक महत्व। खनिज पदार्थ का क्या होता है? आर्थिक महत्व। लेकिन कुछ ना संसाधन का आर्थिक महत्व नहीं होता है, कुछ संसाधन का क्या नहीं होता है? आर्थिक महत्व नहीं होता है। संसाधन का कुछ संसाधनों का तो आर्थिक महत्व होता है, लेकिन कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व को नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बना करें तो जैसे कि मनमोहन मनुष्य की भूदशे करता मनोरम मनोरम भूदशे मनोरम भूदशे। अगर मनोरम भूदशे जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, बड़े अलग स्तर पर जाते हैं, या नदियों के नदियों के किनारे घूमते हैं, इसे अपने जीवन में मनोरम भूदशे कहलाते हैं, इसका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता। इसका क्या नहीं होता है? आर्थिक महत्व नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये मनुष्य के लिए आवश्यक है, हमें मनोरंजन करने के लिए ऐसे दृश्य में जाते ही ना, इसलिए आवश्यक है। ये दोनों ही संसाधन, लेकिन दोनों संसाधन के बाद भी बिना एक का आर्थिक महत्व है, दूसरे का आर्थिक महत्व नहीं। मनोरंजन दृश्य हमारे ये आर्थिक महत्व नहीं रखते, लेकिन मनुष्य के लिए क्या है? आवश्यक। मनुष्य के लिए क्या है? आवश्यक है। मनुष्य के लिए आवश्यक है, इसलिए चाहे खनिज पदार्थ हो चाहे भूदृश्य, दोनों ही क्या है? आवश्यक होने के कारण दोनों ही संसाधन, दोनों ही क्या है? संसाधन। नहीं बात समझनी कि भाई जरूरी नहीं है कि मूल्य हर संसाधन का क्या होता है? अपनी उपयोगिता होती है, अपना महत्व होता है, और उपयोगिता और महत्व होने के कारण उसका ना प्रत्येक संसाधन मनुष्य के लिए आवश्यक हो जाता है। यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका भी कोई आर्थिक महत्व नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर उनको बिना आगे जाकर इसका आर्थिक महत्व हो जाए। जैसे कि दादी माँ के घरेलू नुस्खे, नाम सुना ना दादी माँ के घरेलू नुस्खे, क्योंकि हमें ना जो हमारे बीमार हो जाए या कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं?
घरेलू उपाय करते हैं। ये क्या खिलाते हैं? दादी माँ की घरेलू नुस्खे। अभी दादी माँ के तो घरेलू नुस्खे हैं, वो अभी इसका कोई आर्थिक पेट नहीं है ना, लेकिन दूसरा ध्यान है कि अगर इसको पैटनेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका मूल्य बढ़ जाएगा। यानी इसको पैटनेट करके हम हिना मेडिकल हिना या औषधि लेना जगह बेच दी जाए तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये पैटनेट होता क्या है? पैटनेट पर सुनाएगा किसी भी विचार या आविष्कार को कपर एकाधिकार करना कहते रहता है पैटनेट कहलाता है। तो ये मूल्यवान रहता है, ठीक है। वस्तुओं पर जल्द
इसी तरह हम उदाहरण में एक उदाहरण और लेंगे जल को बनाने से जल जल में तो हमें का जब अविष्कार हुआ यानी महत्व के जल को हमने क्या करा ये ना विद्युत को ऊर्जा का आविष्कार किया इसका आविष्कार क्या ऊर्जा का तो ये सारी चीजें मनुष्य द्वारा आविष्कार करने पर लगी थी यानी हम इस बात को अब समझ में आया होगा कि मेरी ना संसाधन बनते कैसे यानी कि मनुष्य कुछ संसाधन को हम सभी यूनिट फ्लो कर लेते हैं प्रकृति द्वारा हमारी आवश्यकता है पूर्ति करता है संसाधन है लेकिन संसाधन बनाते कैसे यदि वस्तुओं की उपयोगिता या पदार्थ की उपयोगिता संसाधन पर संसाधन बनाने के संसाधन के लिए जैसे समय आविष्कार प्रौद्योगिकी है ना ये सारी चीजें पदार्थों को क्या करती है संसाधन संसाधन में बदलने का कार्य करती है इसमें बदलने का कार्य करती है संसाधन में बदलने का कार्य करती है जल के कारण मिल गया आग की जब तक खोज नहीं थी तब तक मनुष्य बिना कच्चा मांस या है ना कंदमूल फल खाकर ये अपना जीवन व्यतीत करते थे लेकिन जब बिना खाना पर जब आग की खोज हुई तो खाना बनाने को मिलने लगे इसी तरह जब है ना बहते जल को बिना रोक कर ऊर्जा का बहते जल को रोक कर हमने क्या किया ऊर्जा का आविष्कार किया तो आज हम इन्हें देख रहे हैं ऊर्जा का आविष्कार हो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं किसी भी पदार्थ को संसाधनों में परिवर्तन कर सकते हैं क्या करता है मानवीय समय के संसाधन इसलिए क्या करता है मानवीय संसाधन क्योंकि मनुष्य ही प्राकृतिक पदार्थों को अपने शक्तियों को परिवर्तित करता है ये ना हमारा संसाधन कैसे बनते हैं या संसाधन किसे कहते हैं अब हमारा देश कहता है कि संसाधन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है अगर संसाधन की बात करते हैं तो संसाधन को वनस्पति
और वायु, खनिज, ये सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें बिना संशोधन के भी क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग किया जा सकते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इनका भी बहुत ज्यादा उपयोग होगा, बदलने की आवश्यकता है। थोड़ी बहुत तो हो सकती है, ये नहीं कहते कि नहीं हो सकती है, हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हो, जिन्हें बहुत ज्यादा संशोधन की आवश्यकता बिना ये उसका उपयोग करें, वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संसाधन। अभी प्राकृतिक संसाधन को भी हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके नोट कर लो। फिर आपको बता रही हूँ कि यह प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त पदार्थ या वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जल, वायु, मृदा, वनस्पति, ये सारे क्या है, है ना, संसाधन। इसके अलावा हमारे आसपास की चीजों में देखें, टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, किताबें, बर्तन, खनिज, ये भी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अगर संसाधन बनते कैसे, वस्तु की ही ना, वस्तु की उपयोगिता, वैधता यानी मूल्य उसे क्या बनाते हैं, किसी भी वस्तु को संसाधन बनाते हैं, वस्तु को संसाधन। इसके अलावा समय और प्रौद्योगिक दोनों जैसे तत्व ने जो किसी भी ना वस्तु को संसाधन बनाने में जैसे कि जो मनुष्य के विचार, कौशल, आविष्कार आदि भी संसाधन को क्या करते हैं, उपयोगी बनाते हैं। यहाँ तक हमने देखा, अब हम ये व्यक्तिगत एक बार आप भी देखेंगे संसाधन को, ये आपको लगा ये बता देखेंगे। थैंक यू आपका, और कल जो आपको किया जा रहा है कल में आपके मैसेज में आ जाएगा व्हाट्सएप पे, वो आप उतार देंगे। ये आया स्टॉप पे, स्टॉप पे कर दिया। आर यू श्योर?